हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर माधुरी भंडारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, शल्यतंत्र डिपार्टमेंट. टुडे वी विल सी मर्म थेरेपी, एन इनोवेटिव प्रोसीजर इन शल्यतंत्र. वी ऑल नो मर्म वेरी वेल, मीन्स वी स्टडीड इट इन अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ओनली, बट वी स्टडीड इट इन अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट. हमने सिर्फ उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखा है, मीन्स मारे इनती थी मर्माने. सो मर्म पे अगर मार लगा तो मृत्यु आ जाता है. तो यही सिर्फ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हमने पढ़ा है, लेकिन अगर इसकी केयर ले, अगर इसकी चिकित्सा करे तो उसके इफेक्ट क्या है. सो दैट इज मर्म थेरेपी, वो आज हम देखने वाले हैं. और इसके लिए ये मर्म थेरेपी हम रेगुलरली हमारे ओपीडी में करते हैं. इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और मेनली साउथ इंडिया में ये वेरी वेल प्रैक्टिस है. साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, यहाँ ये रेगुलरली प्रैक्टिस होता है. और आपने अगर देखा है हिंदुस्तानी मूवी, आपने देखा होगा कमल हसन का, उसमें वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स प्रेस करता है, उसके बाद वो आगे वाले को मृत्यु आ जाती है. तो ये एग्जैक्टली वे पॉइंट्स क्या थे? तो ये मर्म पॉइंट्स थे. आपने मार्शल आर्ट्स भी अगर सुना है तो मार्शल आर्ट्स में भी स्पेसिफिक पॉइंट्स प्रेस किए जाते हैं जिसकी वजह से आगे की मृत्यु हो जाती है अगले पर्सन की. सो दिस इज नथिंग बट द मर्म पॉइंट्स. सो इसका मिसयूज होने की वजह से ये इतना प्रैक्टिस में नहीं आए, इसका प्रचार और प्रसार इतना नहीं हुआ, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है. लेकिन अगर इसका अच्छे से यूज़ हुआ या हम इसका पेशेंट में डिसीज़ क्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं ये भी देखेंगे. हम तो रेगुलरली करते हैं, ये आप सोचो कि करना है नहीं करना है. लेकिन ये कैसे कर सकते हैं इसका डिटेल मैं आपको आज बता दूँगी. सो रेगुलरली हम ओपीडी में करते हैं, इसके कुछ वीडियोस हमारे पास हैं. मैं एक वीडियो पहले आपको बता देती हूँ. दिस इज़ द केस ऑफ टेनिस एल्बो. पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट में व्हाट इज टेनिस एल्बो. सो टेनिस एल्बो दैट इज लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस इज अ पेनफुल कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन टेंडन्स इन योर एल्बो आर ओवरलोडेड यूजुअली बाय रिपीटेटिव मोशंस ऑफ द रिस्ट एंड आर्म. कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स आर pain on burning on the outer part of the elbow, weak grip strength, sometimes pain at night. मीन्स कभी कभी नाइट में पेन होता है, वीक ग्रिप होती है, लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस में पेन होता है. सो द सर्जिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? दैट इज रेस्ट, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फिजिकल थेरेपी, ब्रेस, स्टीरॉयड इंजेक्शन और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी. मीन्स ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें ट्रीटमेंट में अवेलेबल नहीं है. और जो अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट सोचते हैं तो उसमें ओपन सर्जरी एंड ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी. सो दिस इज द वीडियो ऑफ टेनिस एल्बो. ये ओपीडी में आया हुआ पेशेंट है, सर्जरी ओपीडी में, वी ट्रीटेड विद द मर्म थेरेपी. सो सी दिस इज द पेशेंट ऑफ टेनिस एल्बो. अगर इसके कुछ SOPs हैं मैं आपको बताऊंगी. ये मेल पेशेंट है, इसके लिए हम इसका राइट साइड का मर्म पहले कर रहे हैं. अगर फीमेल रही तो लेफ्ट साइड का करना है, क्योंकि इसका कुछ कनेक्शन है इडा और पिंगला नाड़ी से. सो आई एम डूइंग द मर्म थेरेपी ऑफ तलहृदय मर्म. राइट का किया, अभी लेफ्ट का. कितना टाइम प्रेस करना है, क्या करना है, ये डिटेल मैं आपको देती हूँ. सिर्फ आप अभी वीडियो देखो. सी दिस इज द स्टिमुलेशन ऑफ क्षिप्र मर्म. Just press and release. पहले राइट का किया है, अभी लेफ्ट का किया है. 15 to 18 टाइम्स हम ये प्रेस कर रहे हैं. दिस इज स्टिमुलेशन ऑफ मणिबंध मर्मा. दिस ज्वाइंट को रोटेट करना है क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज 15 to 18 टाइम्स. ये पेशेंट का अंगुली प्रमाण लिए हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंद्रवस्थि पॉइंट, 4 फिंगर बिलो द एल्बो जॉइंट, प्रेस एंड रिलीफ. दिस इज इंद्रवस्थि मर्म, स्टिमुलेशन ऑफ इंद्रवस्थि मर्म. सुश्रुत ने भी अंगुली प्रमाण ही बोला है. टेक्सचुअल क्या रेफरेंसेस हैं हम आगे देखेंगे. दिस इज स्टिमुलेशन ऑफ इंद्रवस्थि मर्म. फर्स्ट राइट का कर रहे, लेफ्ट
बाद में लेफ्ट का 15 to 18 टाइम्स। अभी हम इंद्रावस्ती के बाद कर्पूर कर्म करेंगे। हमने टेनिस एल्बो में देखो क्यों ये मर्म सेलेक्ट किया, बिकॉज टेनिस एल्बो इज अ डिसऑर्डर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, तो हम मोस्टली हैंड्स के सभी मर्म कर रहे हैं। तलरुदय किया, क्षिप्र किया, मणिबंध किया, इंद्रावस्ती किया, अभी कर्पूर कर रहे हैं। सिप्रेस एंड रिलीज, कर्पूर मर्म हमने पहले आइडेंटिफाई किया, बोथ साइड में जो बोनी प्रोजेक्शन है उसके वन फिंगर बिलो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, वो हम थ्योरी में देखेंगे। अभी ये प्रेस एंड रिलीज 15 to 18 टाइम्स। अभी कर्पूर के बाद आनी मर्म, फोर फिंगर्स ऑफ पेशेंट अंगुली प्रमाण, चार अंगुली प्रमाण पेशेंट का अबो द कर्पूर मर्म, दैट इज आनी मर्म। पहले राइट का करना है मेल में, फिर लेफ्ट का, या आप ऐसा कर सकते हो कि जो पार्ट अफेक्टेड है वो फर्स्ट कर सकते हो। जस्ट प्रेस एंड रिलीज। कितना प्रेशर देना है, क्या देना है, वो हम जब थ्योरी देखते हैं वहाँ बताएंगे, क्योंकि इट प्रेशर इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मर्म आल्सो। सो कौन सा मर्म है, अस्थि है, संधि है, मांस है, उसके हिसाब से प्रेशर देना है, बट ऑलवेज गिव द मैक्सिमम प्रेशर, जितना हो सके आपको मैक्सिमम प्रेशर देना है। मेनली स्टिमुलेशन जो है वो थम से ही करना है, थम एंड पाम से, यू कैन यूज थम और थम एंड पाम। आनी के फोर फिंगर अब उर्वी मर्म है, दिस इज उर्वी मर्म। नाउ औंस मर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज डिसऑर्डर्स, तो देखो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। एल्बो को रखना है 90 डिग्री में, हाँ फ्लेक्स करना है, और फिंगर्स नेक को टच करके रखने हैं, और जहाँ मिडल फिंगर आता है वहाँ पेशेंट का हमने औंस मर्म आइडेंटिफाई किया है, और वो प्रेस करें, प्रेस एंड रिलीज। ये अपर एक्सट्रीमिटी डिसऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है, सभी टेनिस एल्बो रहा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहा। स्टिमुलेशन ऑफ औंस मर्म। इसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स देखो, पेशेंट को फर्स्ट सिटिंग में 60% रिलीफ मिला है, जस्ट इट वॉज अ फर्स्ट सिटिंग, पहली बार ही पेशेंट ओपीडी में आया था और हमने किया, तो पेशेंट अभी हमें बताएगा कितना रिलीफ। कुछ कुछ पेशेंट में 90 to 100% रिलीफ भी आया है फर्स्ट सिटिंग में, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में रिलीफ आया तो भी आपको मैक्सिमम टाइम करना है। सी सो दिस इज नॉट अ मैजिक, ये मैजिक नहीं था, वो पेशेंट को जो रिलीफ मिला तो ये मैजिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, तो इसकी इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये देखना चाहिए। अगर इसके पीछे पर साइंस है तो इसका मतलब इसके कुछ इफेक्ट है, तो इसीलिए साउथ इंडिया में भी ये रेगुलरली किया जाता है, हम इसके इफेक्ट देखते हैं साउथ इंडिया में, केरल या तमिलनाडु या मार्शल आर्ट्स में भी हम इसके इफेक्ट देखते हैं, और इसके हिसाब से कुछ एविडेंसेस मैं आपको देती हूँ। तो ये प्रैक्टिस एंशेंट एरा में यूज़ होती थी क्या, तो देर आर सम एविडेंसेस, इट शोज दैट इट वॉज यूज टू प्रैक्टिस इन द एंशेंट एरा आल्सो, लाइक द यूज़ ऑफ मर्मा साइंस एज अ थेरेपेटिक प्रोसीजर has been observed in some ancient Indian traditions and practices, that is Dhanurveda and Upaveda of Yajurveda. Dhanurveda mein iske references hai marma therapy ke as a therapeutic procedure.
देन आयुर्वेद में ऑयल मसाज, प्रेशर, लेपन, नस्य, योगासन एक्सेट्रा, दीज आर नथिंग बट द मर्मा थेरेपी, मीन्स दीज आर नथिंग बट द स्टिमुलेशन ऑफ द मर्मास, सो फॉर द डिजायर्ड इफेक्ट. सो आयुर्वेद में भी मर्मा थेरेपी की रेफरेंसेस है. द नॉलेज ऑफ मर्मा इज एम्प्लॉयड इन वेरियस एंशियंट ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस लाइक कलारी पायत ऑफ केरला. मैंने जो आपको बोला साउथ इंडिया में केरला में कलारी पायत नाम से इसकी प्रैक्टिस होती है, और वर्मा कलाई ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसमें वर्मा कलाई बोलते हैं और मर्मा को वर्माज बोलते हैं वहाँ, वर्मा पॉइंट्स. सो एंड आयुर्वेदिक अभ्यंग दैट इज मसाज इज ऑल्सो अ मर्मा थेरेपी. सो वॉट इज मर्मा, हमने पढ़ा है यूजी में पीजी में, दैट इज मारयंती इति मर्माणि, है ना. सो मर्म पे आघात हुआ तो मृत्यु आ जाती है. सो ओनली वी स्टडीड द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ मर्मा, लेकिन हम जब उसका थेरेपेटिक एस्पेक्ट देखते हैं पेशेंट के लिए, तो दूसरी डेफिनेशन है जो सुश्रुता ने बोली है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मर्मानी नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राण तिष्ठन्ति. मीन्स मर्मा आर द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मसल्स वेसल्स टेंडन्स बोन्स एंड जॉइंट्स वेयर द प्राण इज स्पेसिफिकली लोकेटेड. हमें पता है कि प्राण इज लोकेटेड ऑल ओवर द बॉडी, दैट्स वाई वी आर अलाइव, उसकी वजह से हम जीवित है. सो बट दीज मर्मा पॉइंट्स हियर प्राण इज स्पेसिफिकली लोकेटेड, मीन्स ऑल ओवर बॉडी प्राण है, लेकिन दीज आर द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द प्राणा. एंड वेन दिस प्राणा इज डिस्टर्ब, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है इट लीड्स टू द डिसीज और डिसऑर्डर्स. सो टू ट्रीट दिस डिसीज और डिसऑर्डर्स वी शुड एक्टिवेट दिस प्राणा विच इज सिचुएटेड एट दिस मर्मा पॉइंट्स. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द मर्मा थेरेपी. अगेन द लास्ट लाइन शोज दैट इट इज द एज इट इज द सीट ऑफ प्राणा, इंजुरी टू दिस मर्मा हैम्पर्स द जीवन और प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डज लीड टू डेथ और लॉस ऑफ फंक्शन. सो मर्माज आर क्लासिफाइड इन वेरियस मैनर्स एनाटोमिकली, मीन्स वॉट इज द मेजर एनाटोमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द मर्मा, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज क्लासिफाइड इन टू द मांस मर्मा, शिर मर्मा, स्नायु मर्मा, अस्थि मर्मा एंड संधि मर्मा. मीन्स इफ मांस इज द मेजर कॉम्पोनेंट देन इट इज क्लासिफाइड एज अ मांस मर्मा. इफ सीरा मीन्स वेसल्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट देन इट इज कॉल्ड एज अ सीरा मर्मा. देन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन मीन्स वेयर द मर्मा इज सिचुएटेड, इज इट सिचुएटेड ऑन द विच पार्ट, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज क्लासिफाइड इन टू द मर्माज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मर्माज ऑफ द थोरैक्स, मर्माज ऑफ द एबडोमिन, मर्माज ऑफ द बैक एंड सुप्रा क्लेविकुलर मर्माज. देन अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट मीन्स वेन इट गॉट ट्रॉमा, मीन्स अगर इस पर आघात होता है उसके क्या इफेक्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज क्लासिफाइड इन टू द सद्य प्राणहर मर्मा, कालांतर प्राणहर मर्मा, वैकल्यकर मर्मा, विषलग्न मर्मा एंड रुजाकर मर्मा. अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मर्मा इट इज क्लासिफाइड इन टू सौम्य मर्मा, वायव्य मर्मा, अग्नेय मर्मा, सौम्य अग्नेय मर्मा एंड अग्नि वायव्य मर्मा. सो वैकल्यकर मर्मा आर सौम्य मर्मा एंड कफ इज द प्रिडोमिनेंट दोषा, एंड विषलग्न मर्मा आर द वायव्य मर्मा एंड वात इज द प्रिडोमिनेंट दोषा, एंड सद्य प्राणहर मर्मा आर द अग्नेय मर्मास एंड पित्त इज द प्रिडोमिनेंट दोषा, कालांतर प्राणहर मर्मा आर सौम्य अग्नेय मर्मा एंड कफ पित्त इज द प्रिडोमिनेंट दोष, रुजाकर मर्मा आर द अग्निवायव्य मर्मा पित्त एंड वाता इज द प्रीडोमिनेंट दोष. अभी हमने वीडियो देखा है इससे हमें इम्पोर्टेंस तो पता चला, लेकिन हमारे आचार्य जैसे कि टेक्स्ट में इसका कुछ इम्पोर्टेंस है क्या, हमारे आचार्यों ने इसको कुछ इम्पोर्टेंस दिया है क्या, उसके कुछ रेफरेंसेस है क्या, टेक्सुअल रेफरेंसेस, वो हम देखते हैं. सो ऑल आचार्यस मेंशन और डिस्क्राइब्ड मर्मास इन वेरी वेल, बट सुश्रुता गेव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू दीज मर्मास बिकॉज ही डिस्क्राइब्ड अ सेपरेट अध्याय इन शारीरस्थान सिक्स चैप्टर वेन ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ मर्मानी शल्य विषयार्धम.
ही टोल्ड दैट इट इज अ हाफ सब्जेक्ट और शल्य विषय आर द ऑफ द शल्य तंत्र. सो दैट मच इम्पोर्टेंस सुश्रुता गेव टू द मर्म. तो कुछ तो होगा, इसीलिए तो सुश्रुत ने इसको हाफ ऑफ द शल्य बोला है. लेकिन चरक ने अल्सो इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, बिकॉज ही अल्सो डिस्क्राइब अ सेपरेट त्रिमर्मी अध्याय इन द सिद्धिस्थान लाइन चैप्टर. वहाँ उन्होंने डिटेल्स ऑफ त्रिमर्म मीन्स रुधय शीर बस्ती जो त्रिमर्म बोले हैं, मेन जो मर्म है जो सद्य प्राणहर मर्म है, उसका एक सेपरेट अध्याय बोला है. वहाँ उन्होंने मर्म चिकित्सा भी डिटेल में बोली है. अष्टांग हृदय में भी वाग्भट ने सेपरेट अध्याय दिया है. शारीर स्थान फोर्थ चैप्टर दैट इज मर्म विभाग शारीर, वहाँ पे भी उन्होंने डिटेल उसके मर्म डेफिनेशन उसका क्लासिफिकेशन ये सब डिटेल्स वहाँ बोले हैं. देन इज देयर अ डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ मर्म चिकित्सा इन टेक्स्ट? यस, देयर इज अ डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ मर्म चिकित्सा टोल्ड बाय द चरका इन सिद्धिस्थान नाइन चैप्टर, वेयर चरका सेड दैट आबाद वर्जनम नित्यम स्वस्थ वृत्त अनुवर्तनम. मीन्स आपको अगर आबाद वर्जनम मीन्स निरोगी रहना है, हेल्दी रहना है, तो यू शुड फॉलो स्वस्थ वृत्त. तो स्वस्थ वृत्त का पालन करना है. उत्पन्नार्थी विघात का मर्मानाम परिपालन, अगर स्वस्थ वृत्त का पालन करने के बाद भी डिसीजेस होते हैं, विघात उत्पन्न होता है, तो मर्म परिपालनम करना है. मीन्स मर्म चिकित्सा करनी है या मर्म की केयर करनी है. दिस इज द डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ मर्म थेरेपी. क्योंकि हम बोलते हैं कि नहीं, मर्म के रेफरेंस नहीं है, रेफरेंसेस डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं मिल गए, अगर इनडायरेक्ट रेफरेंसेस है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल गए ऐसे कहा जाता है. तो नहीं, हम कहीं पे कम है, हमें ढूंढने हैं वो रेफरेंसेस, बिकॉज देर आर सो मेनी चिकित्सा उपक्रम्स आर मेंशन इन द अवर टेक्स्ट. सो वी शुड फाइंड आउट द डायरेक्ट रेफरेंसेस ऑफ मर्मा थेरेपी. उसमें से मुझे ये एक रेफरेंस मिला है जो बोलता है कि ये डायरेक्टली मर्म थेरेपी का रेफरेंस है, डिस्क्राइब्ड बाय द चरका इन सिद्धिस्थान नाइन चैप्टर. अगेन द स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू स्पेसिफिक मर्मास. देखो, मर्मा के अगर हम नाम देखते हैं तो उसके नाम पे उसके नाम से भी हमें पता चला कि ये नाम इनको क्यों दिए गए हैं, ये स्पेसिफिक नेम्स उनको क्यों दिए गए, उसके पीछे कुछ तो इम्पोर्टेंस उसका होगा. जैसे कि हम देखते हैं तलरुदय मर्मा. तलरुदय मर्मा मीन्स तलरुदय मर्मा कहाँ होता है, उसके नाम में ही है तलरुदय. मीन्स एक तो तल में है, हस्तातल है, पादतल में ये सिचुएटेड है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज तल हृदय. बट हृदय क्यों बोला है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द हृदय मीन्स हार्ट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज तल हृदय. मीन्स इफ यू विल टेक केयर ऑफ दिस तल हृदय मर्म, इट विल टेक केयर ऑफ योर हार्ट. अगर आप ये तल हृदय का स्टिमुलेशन करते हो तो आपके हार्ट डिसीज में इसका अच्छा इफेक्ट होने वाला है. सो हम ये बताएंगे जहाँ हम SOPs ऑफ मर्म देखेंगे. सो तलरुधे मर्मा, कटिक तरुण मर्मा. मीन्स कटिक तरुण मर्मा क्यों नाम दिया है, कटिक तरुण जो तरुण रखता है, कटिक तरुण जो मर्मा है, जो बैक का मर्मा है, अगर हम इसका केयर लेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे रेगुलरली, तो ये आपका तारुण्य मीन्स यंगर लाइफ का केयर लगेगा रखेगा और आपको तरुण रखेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कटिक तरुण. देन इंद्रवस्थी मर्मा. इंद्रवस्थी मर्मा मीन्स इफ यू विल टेक केयर ऑफ दिस मर्मा, इट विल टेक केयर ऑफ बस्ती. तो बस्ती यहाँ कम्प्लीटली यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड है. अगर हम इसका केयर करेंगे, इसका स्टिमुलेशन करेंगे, इसकी थेरेपी करेंगे मर्म थेरेपी, तो ये पूरा आपका यूरिनरी सिस्टम अच्छे से रखेगा. सो दिस ऑल इंडिकेट्स द एविडेंसेस ऑफ मर्म थेरेपी. तो हम नहीं बोल सकते कि मर्म थेरेपी का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है. अभी हमने जो स्लाइड देखा इसमें ये सभी इट शोज दैट द देर वॉज अ मर्मा थेरेपी इन एंशंट एरा अल्सो. सो अगेन अगर हम रिलेटेड थेरेपीज, अभी के जो फेमस रिलेटेड थेरेपीज है लाइक कायरो थेरेपी, एक्यूप्रेशर, विद्धाग्निकर्म, पंचकर्म, दीज आर नथिंग बट द स्टिमुलेशन ऑफ मर्मास. मीन्स दीज ऑल आर द मर्मा थेरेपीज. सो लेकिन मर्म थेरेपी क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्यों है आज? सच में इतने सब थेरेपीज अवेलेबल है, फिर भी मर्म थेरेपी पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या, करना इम्पोर्टेंट है क्या? तो उसके क्या एडवांटेजेस है? तो क्यों करना है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड. देखो, आजकल पेशेंट को ज़्यादा मेडिसिन की, अगर आप मेनली
हाई क्लास पेशेंट अगर देखते हैं तो उनको मेडिसिन नहीं चाहिए होता है, उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक, क्योंकि मेडिसिन के मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मेडिसिन है कौन सा भी है तो उसके कुछ तो एडवर्स इफेक्ट होंगे ही। सो इट इज़ अ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, इसमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। देन देर इज निग्लिजिबल एडवर्स इफेक्ट, आप ये करोगे तो इसके बहुत ही निग्लिजिबल, मोस्टली तो एडवर्स इफेक्ट है ही नहीं, होंगे तो कुछ एकदम निग्लिजिबल एडवर्स इफेक्ट है अगर आप रॉन्गली उसको स्टिमुलेट करते हो तो। एंड इट इज़ अ ओपीडी प्रोसीजर, आप ये ओपीडी लेवल पे भी कर सकते हो, नो नीड ऑफ इक्विपमेंट्स, क्योंकि कुछ भी थेरेपी करना है तो आपको मेनली बेसिक इक्विपमेंट्स तो भी लगते हैं, लेकिन इसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं। सो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें आपको पेशेंट का ज़्यादा पैसा भी नहीं लगने वाला है, एंड इट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग और टाइम भी कम लगने वाला है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ थेरेपी, क्योंकि आप अभी सिंपल आप पेन किलर्स भी लेते हो, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरीज, वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट कितने हैं, देखो गैस्ट्राइटिस है, समझो अल्सर का पेशेंट है, कैसे लेगा नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है, ड्यूओडेनस, सो उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत है। ये सब हम अगर उसमें मर्म थेरेपी करेंगे तो हम उसका अल्सर भी ट्रीट करेंगे प्लस उसका पेन भी ट्रीट करेंगे। बट अगर ये एडवांटेजेस मर्म थेरेपी के है, लेकिन उसके साथ उसकी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ मर्मास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्मास, देन इट नीड्स स्किल्स, स्किल लगेगा, प्रेस रिलीज करना है, जो कुछ आपको थेरेपी करना है उसके लिए स्किल चाहिए, इट नीड्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, उसके लिए आप ट्रेन चाहिए, देन इट रिक्वायर्स द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं, हम खाली ओरली बोल रहे हैं तो आपको कोई आपको विश्वास नहीं करेगा, उसके लिए आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखा सकते, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स पेशेंट के पेपर जो है, तो प्रीवियस उसका समझो एंगल था, कितना फ्लेक्जन था, कितना एक्सटेंशन था, और मर्म थेरेपी के बाद कितना बड़ा है, पेन स्केल आपने रखा था क्या, पहले पेन कितना था, बाद में कितना कम हुआ, ये सब देखने के लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ओरली बोल के फ़ायदा नहीं उसका, इसीलिए हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने जो वीडियो दिखाया, आपने उसमें कुछ मर्म थेरेपी करते हुए देखा, तो मैंने वहाँ बताया कि उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, मीन्स ये करते हुए क्या टेक केयर लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, तो दैट आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो क्या है, तो प्री मर्म थेरेपी, सो कभी भी मर्म थेरेपी के करने के पहले हमें क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले डिटेल हिस्ट्री लो, पेशेंट आने के बाद ओपीडी में डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद क्या होगा, हमें उसका एक तो डिसीज पता चलेगा, अपना डायग्नोसिस होगा, और डायग्नोसिस से हमें उसकी पैथोलॉजी मीन्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, वेयर इज द पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहाँ है, कौन से पार्ट में खवैगुण्य है, कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, ये सब हमें हिस्ट्री के बाद पता चलेगा। और ये पता क्यों करना है हमें ये सब, इसके बाद वी विल गो फॉर द सेलेक्शन ऑफ द मर्मा, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से मर्मा सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन अगर मर्मा करना है तो पेशेंट को मेनली फास्टिंग बुलाना है या पेशेंट को लाइट डाइट दे के बुलाना है, बिकॉज अगर हम शिरो मर्मा का स्टिमुलेशन हमें करना है और पेशेंट ने खाया हुआ है तो पेशेंट को ओमेट हो सकता है, ओमेटिंग हो सकता है। सो इसीलिए ये अवॉइड करने के लिए एक तो क्या करो, पेशेंट को लाइट डाइट लेके बुलाओ या फास्टिंग बुलाओ। देन कौन से पोजीशन में आपको मर्म थेरेपी करना है, विच इज़ द अप्रोप्रिएट पोजीशन, सो ऑलवेज डू मर्म थेरेपी इन सिटिंग एंड लाइंग पोजिशन, स्टैंडिंग में आपको करना नहीं है। तो क्यों नहीं करना है, तो अगेन द स्टिमुलेशन ऑफ हेड मर्मा, शिरो मर्मा जो हमने स्टिमुलेट करते हैं शिरो मर्मा, उससे पेशेंट को वर्टाइगो होता है मैक्सिमम टाइम्स, आपका भी करके देखेंगे तो देखो आपको वर्टाइगो होता है, तो इसकी वजह से पेशेंट कैन फॉल डाउन, पेशेंट गिर सकता है, पेशेंट को हेड इंजरी हो सकती है, कुछ फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको मर्मा कहाँ करना है, सिटिंग और लाइंग पोजीशन में, तो वर्टिगो आने के बाद भी फिर उसको ट्रॉमा नहीं होगा। सो कौन से मर्म करने हैं, तो कुछ डिसीज वाइज मर्म बोले, कौन से डिसीज में कुछ कौन से मर्म, अगर हम डिटेल लेंगे तब हमें बताएंगे कि कौन से डिसीज में कौन से मर्म है।
लेकिन आप समझो आपको पता नहीं, अभी आप एकदम बेसिक सीख रहे हैं, अभी पहली बार ही मर्मा थेरेपी सीख रहे हैं, तो आप वहाँ जिस पार्ट, जो पार्ट अफेक्टेड है, जैसे आपने अभी बोला टेनिस एल्बो, तो कौन सा पार्ट अफेक्टेड है? हैंड अफेक्टेड है, शोल्डर से लेके हैंड तक, तो वहाँ के मर्म करने हैं। समझो सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो आपको सर्वाइकल और एक्सट्रीमिटीज के मर्म करने हैं। हाँ, हेड डिसीज कुछ है तो आपको शिरोमर्म करना है। सो नियरेस्ट आपको मर्म उसके सेलेक्टेड करने हैं। अगर आपको पता नहीं है, डिसीज वाइज पता नहीं है कौन से मर्म सेलेक्ट करने हैं, तो यू शुड सेलेक्ट द नियरेस्ट मर्मास, नियरेस्ट मर्म ऑफ द दैट डिसीज और दैट पार्ट अफेक्टेड। अगर कुछ पता नहीं तो यू कैन डू ऑल द मर्मास, अगर सब मर्म करते हो तो और अच्छा। और उसका एक सीक्वेंस है, तो अगर आप सब मर्म कर रहे हो तो पहले कौन से करने हैं, तो ऑलवेज डू इट सेंटर टू पेरिफेरी, पहले सेंटर के करने हैं, मीन्स सॉरी पहले पेरिफेरी के करने हैं और फिर सेंटर के करने हैं। पेरिफेरी टू सेंटर कैसे करना है, क्योंकि कौन सा भी डिसीज होता है तो क्या होता है, दोष कहाँ जाते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी, कोष्ठ से शाखा में जाता है तब डिसीज होता है। और हम पंचकर्म ये सभी से क्या करते हैं, शाखा से स्नेहन स्वेदन ये करने से शाखा से कोष्ठ में दोष आते हैं। तो सेम मर्म के पीछे भी वही प्रिंसिपल है, जो दोष शाखा में है, शाखा मीन्स एक्सट्रीमिटीज में है, वो दोष हमें कोष्ठ में लाना है और फिर कोष्ठ से फिर उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए पहले आप लेग्स के मर्म करो, बाद में हैंड्स के करो, फिर बैक चेस्ट एब्डोमेन ये करके आपको लास्टली हेड के मर्म करना है। सो इट शुड ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज डू इट फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर। तो ये मेन उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट मर्म पे, जो एग्जैक्ट मर्म पॉइंट है वहाँ स्टिमुलेट नहीं करोगे, दूसरा पॉइंट स्टिमुलेट करोगे, तो उसका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा या पेशेंट को कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको मर्म का नॉलेज होना, मर्म पॉइंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है इसका नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके लिए सुश्रुत ने क्लियर मार्कर्स दिए हैं कि कैसे आप कौन से मर्म कैसे सेलेक्ट करना है, इंद्रवस्थि कहाँ है, तल हृदय कहाँ है, तो सुश्रुत ने सब बोला है, डिटेल में बोला है, हमें वो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है और क्लास में भी हम लेंगे। सो इम्पॉर्टेंट सेलेक्शन ऑफ और आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया पॉइंट्स का, कि उधर आप मार्कर से मार्क कर सकते हैं और बाद में स्टिमुलेट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली सिलेक्शन करने के बाद, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद डायरेक्ट स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो प्रेशर कितना देना है, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट प्रेशर, कितना प्रेशर देना है मर्म के लिए, तो आपको मैक्सिमम प्रेशर देना है। अब मेनली हम थम और पाम से ही करते हैं, तो मैक्सिमम आपको प्रेशर देना है। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन, अभी हमने जो देखा मर्म का, जो मांस सिरा स्नायु, उसके हिसाब से भी मर्म का प्रेशर बोला गया है। जैसे कि सिरा और स्नायु में कंपेरिटिवली टू अदर टाइप कम प्रेशर देना है, सिरा एंड स्नायु मर्म में, और मांस मर्म में मीडियम प्रेशर देना है, और अस्थि एंड संधि में एकदम मैक्सिमम प्रेशर देना है। सो प्रेशर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन व्हाट इज द स्टिमुलेशन मेथड, जैसे कि मैंने बोला, आपने वीडियो भी देखा, जस्ट प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज इज द मेन स्टिमुलेशन मेथड। बट कुछ स्पेसिफिक मर्माज है, जैसे कि मणिबंध मर्मा, इसको हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं, तो रोटेशन से, क्लॉक वाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, ये करने से ये स्टिमुलेट हो जाता है। गुल्फ मर्मा, जैसे कि एंकल जॉइंट है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है, वहाँ हम हुक बनाते हैं और उसको वहाँ के नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, मेकिंग अ हुक, और वहाँ एक टेंडन रहता है, उसको हम स्पार्क देते हैं। तो ये स्पेसिफिक मेथड बोला है। कुछ आसन बोले हैं, योगासन लाइक मंडुकासन फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ नाभि मर्म। कुछ मुद्राएं बोली गई है, जैसे कि हस्तवक्ष बद्ध मुद्रा फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ स्तनरहित मर्म एंड अश्विनी मुद्रा फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ बुध मर्म। लेकिन फ्रीक्वेंसी, कितने बार आपको प्रेशर रिलीज करना है, तो अगर आप हेल्दी पर्सन में कर रहे हैं तो आपको 5 to 8 times प्रेशर रिलीज करना है, और अगर आप डिसीज पर्सन में कर रहे हैं तो आपको 15 to 8 times प्रेशर रिलीज करना है। तो ये प्रेस का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, आप प्रेशर रिलीज करते हैं तो प्रेस का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी 0.8 seconds करना है,
तुरंत आपको निकालना है, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज इट शुड बी 0.8 सेकंड। इसके लिए भी बहुत सारे ओपिनियन हैं, कुछ लोग 3 सेकंड करते हैं, कुछ लोग 1 सेकंड करते हैं, लेकिन यू शुड बी फास्ट। सो 0.8 सेकंड प्रेशर फॉर ईच मर्मा एंड यू कैन डू इट डेली वंस और ट्वाइस। मर्मोथेरेपी कब करना है, आप एक बार दिन में कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड योर टाइम। सो सम देयर आर सम केस स्टडीज, कुछ केस स्टडीज़ है जो हम रेगुलरली हम ओपीडी में करते हैं, उसके वीडियोज़ बनाए हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो हमने अभी देखा। अनदर केस इज फ्रोजन शोल्डर का केस है, शॉर्ट में फ्रोजन शोल्डर बोलती हूँ। वॉट इज फ्रोजन शोल्डर? इट इज़ अ एडेसिव कैप्सुलाइटिस, इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय स्टिफनेस एंड पेन इन योर शोल्डर जॉइंट। सो पेशेंट को कंप्लेंट्स क्या होते हैं? रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, सो पेशेंट को शोल्डर में पेन होता है और शोल्डर के रोटेशन में उसको लिमिटेशंस आते हैं, कम्प्लीटली वो फ्लेक्जन एक्सटेंशन नहीं कर पाता है, तो ये मेनली है। और फ्रोजन शोल्डर में अवेलेबल ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं है, अगेन एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दैट इज पेन किलर्स, देन कॉर्टिकोस्टेरॉयड इंजेक्शंस और लास्ट सर्जरी। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ फ्रोजन शोल्डर, ए पेशेंट ओपीडी में आया था, सर्जरी ओपीडी में। तो सी पेशेंट को लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर है और पेशेंट का मोशन देखो, एक्सटेंशन इतना ही होता है, एंगल देखो, लेफ्ट साइड का नॉर्मल है, राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर है। सो फिर हमने उसको मर्मोथेरेपी किया, अगेन दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। सो हमने अपर एक्सट्रीमिटी के मीन्स हैंड्स के सभी मर्म किए हैं। सी दिस इज द तलहृदय मर्मा, जस्ट प्रेस एंड रिलीज, जस्ट प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एज इट इज़ अ डिसीज्ड पर्सन इट 15 to 18 times करना है, हेल्दी पर्सन में 5 to 8 times करना है। सो तलहृदय मर्मा, सी दिस इज अ मेल पेशेंट है, तो हमने इसका राइट साइड पहले किया, बाद में लेफ्ट साइड। फीमेल है तो लेफ्ट साइड पहले करना है, बाद में राइट साइड, बिकॉज देर इज सम कनेक्शन विथ इडा एंड पिंगला नाडिक्स। और यू कैन डू द अफेक्टेड साइड फर्स्ट ऑल्सो। दिस इज द क्षिप्र मर्म, स्टिमुलेशन ऑफ क्षिप्र मर्म, हमें इसको प्रेस करते हैं अपर डायरेक्शन में, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, राइट का किया फिर लेफ्ट का कर रहे हैं। ये फर्स्ट सिटिंग है पेशेंट का, पेशेंट कम्प्लीटली रेगुलरली आता था 10 दिनों में, उसका कम्प्लीट उसका फ्रोजन शोल्डर कम हो गया है, उसको डेली नाइट में उसको पेन किलर खानी पड़ती थी, तो एक ही सिटिंग के बाद उसका पेन किलर स्टॉप हो गया। देखो अभी मैंने जो बताया, स्टिमुलेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, मणिबंध मर्मा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। दिस इज इंद्रबस्ती मर्मा, इंद्रबस्ती मर्मा इज ऑल्सो गुड फॉर द यूरिनरी सिस्टम डिसीजेस। ये अपर एक्सट्रीमिटी का है, इसलिए हम अपर एक्सट्रीमिटी के कुछ डिसऑर्डर रहे तो वहाँ भी करना है, अगर यूरिनरी सिस्टम के डिसीजेस है तो उधर भी करना है। जस्ट प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, होल्ड करना है पाम और थम से और प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, एंटीरियरली ही करना है। नाउ सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्पूर मर्मा, ये कर्पूर मर्मा हमने आइडेंटिफाई किया और प्रेस किया। हम सेपरेटली भी कर सकते हैं और एट ए टाइम कर सकते हैं दोनों साइड, मीन्स सी दोनों साइड में प्रेस कर रही हूँ, इस लैटरल साइड एंड मीडियल साइड दोनों तरफ से पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में प्रेस किया। आप एक एक बार भी कर सकते हैं, मीडियल एक बार और लैटरल एक बार, और एट अ टाइम दोनों भी कर सकते हैं। सी राइट का किया, लेफ्ट का किया,
काय आहे सेम टेनिस एल्बो में हमने जो कर मर्म किए थे वही कर रहे हैं। से अनिमर्म, वी आर स्टिम्युलेटिंग द अनिमर्म। अनिमर्म इज फोर फिंगर अबो, में चार अंगुली प्रमाण कर्पूर मर्म के ऊपर। तो वहाँ प्रेस हैंड रिलीज कर रहे हैं, थम से पाम से होल्ड किया है, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ये पेशेंट को 6 मंथ्स पहले ट्रॉमा था, बाइक से गिर गया था, तब से पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हुआ था। पेशेंट के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थे, पेशेंट को पेन था, रेगुलरली पेन केलर लेना पड़ता था रात को सोते वक्त, डे में नहीं, रात को सोते वक्त, तभी वो सो पाता था। लेकिन जब हमने ये मर्म थेरेपी किया, पहले दिन ही उसका पेन किलर स्टॉप हो गया। मर्म थेरेपी करते ही उसने बोला कि उसको बहुत रिलैक्स लग रहा है, और 30% उसको ये करने के बाद रिलीफ हुआ था। लेकिन वो रेगुलरली आता था, बिकॉज ही इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, मीन्स पैथोलॉजी में वो कलेक्शन का काम करता है। सी दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंश मर्म। वो रेगुलरली 10 डेज आया, उसने मर्म थेरेपी लिए, अभी उसका शोल्डर एकदम अच्छा है। उसको मैंने रेगुलरली भी घर में करने के लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं, अभी पॉसिबल नहीं होता है फिजिकली रेगुलरली आना। तो 10 डेज वो आया ओपीडी में, बाद में मैंने उसको घर में करने के लिए बोला है, क्योंकि 10 दिन में पेशेंट को पता हो जाता है क्या करना है, कौन से पॉइंट है, कैसे आइडेंटिफाई करना, पेशेंट को सिखा देने का। अगर रेगुलरली करेंगे तो पेशेंट को एकदम ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। सी अभी पेशेंट का रिस्पॉन्स देखो, देखो ये तो राइट साइड नॉर्मल था उसका, लेफ्ट साइड देखो पहले का एंगल और ये एंगल, एंगल में भी चेंज आया है क्योंकि उसका एक्सटेंशन बढ़ गया है, रेंज ऑफ मोशन उसकी बढ़ गई है। देखो पहले ये एंगल ज़्यादा था, अभी कम हो गया है, और पेशेंट गॉट 30% रिलीफ। पेशेंट बोल रहा है 30% रिलीफ, और पेशेंट को बोला है कि रेगुलरली आना है। दिस इज अ केस ऑफ न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस। न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मॉडर्न में कुछ प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, पेन किलर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स यही सब है। तो और पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। सी पेशेंट इज़ अ क्लासिकल पेशेंट, ओवरवेट है भी, बिकॉज और न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कॉज है वेट, ओवरवेट। तो पेशेंट बहुत ओवरवेट है, उसकी वजह से उसको न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हमने क्षिप्र से स्टार्ट किया है, पेशेंट फीमेल है इसलिए लेफ्ट साइड पहले किया, फिर राइट साइड कर रहे, क्षिप्र किया, देन गुल्फ करेंगे। देखो अपर एक्सट्रीमिटीज में मणिबंधा है, लोअर में गुल्फ है। गुल्फ मर्म में पहले मैंने देखा डॉर्सल स्पेडिस का पल्सेशन देखा है, आर्टेरियल पल्सेशन, विच इज लोकेटेड बिहाइंड द मिडियल मैलिलस, मिडियल मैलिलस के पीछे होती है वो पल्सेशन। देखो क्योंकि नर्व भी उधर ही रहेगी, उसका हमें स्टिमुलेशन करना है, और एक हुक किया हमने, हुक करके उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। वहाँ पेशेंट को स्पार्क फील होता है क्योंकि वो वहाँ के टेंडन को जस्ट एलिवेट करता है, तो पेशेंट को स्पार्क फील होना चाहिए, तो वही एग्जैक्ट स्टिमुलेशन। अगर स्पार्क नहीं फील हो रहा है तो स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, तो स्पार्क फील होना चाहिए। हमें भी फील होता है करने वाले को, और पेशेंट को भी फील होता है। पेशेंट बोलता है कि स्पार्क फील हो रहा है, और बहुत बार वो बोलता है कि कमर तक उसको
बैक तक स्पार्क फील होता है, लो बैक मीन्स लंबा रीजन तक, तो मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लंबार एंड एंकल रीजन ऑल्सो। ये गुल्फ किया सेम हुक करना है और पेशेंट है इसलिए 15 to 18 टाइम्स करना है। अनदर साइड गुल्फ इज द मेन मर्मा अमॉन्ग ऑल दोज मर्मा, मेन मर्मा है, इसका स्टिमुलेशन करना ही करना है। स्पेसिफिकली बैक डिसऑर्डर जो है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो डिसऑर्डर है जैसे कि पैराप्लेजिया है, सायटिका है, लंबर डिस्क प्रोलैप्स है, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मर्मा है। से गुल्फ किया, थोड़ा मैं आगे ले जाती हूँ। गुल्फ के बाद हमने इंद्रवस्ती, फोर फिंगर्स बिलो द नी जॉइंट, चार अंगुली प्रमाण पेशेंट का लेना है नी के नीचे, जानू के नीचे। से इसके बाद नी जानू मर्म कर रहे हैं, जानू मर्म के लिए थंब और पाम यूज करना है, अपवर्ड पुश करना है 15 to 18 टाइम्स। देखो इसमें हमने सिर्फ चार ही मर्म किए हैं, एक किया क्षिप्र, दूसरा किया गुल्फ, तीसरा किया इंद्रवस्ती और चौथा किया जानू। देखो कुछ टाइम नहीं लगा, 5-10 मिनट की प्रोसीजर है। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है इसीलिए हमने बोथ साइड से कर रहे हैं, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट नहीं रहता है जानू का तो हम खाली एंटीरियरली करते थे, लेकिन ये ओए नी ओए का ही पेशेंट है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसीलिए हम इसका बोथ साइड कर रहे हैं, एंटीरियरली भी किया और पोस्टीरियरली। मेथड लेकिन सेम रहेगा, पाम और थंब से पुशिंग अपवर्ड। यस राइट का किया, लेफ्ट का किया और फर्स्ट सिटिंग में ही पेशेंट को 90% रिलीफ मिला। अभी पेशेंट बताएगा पेशेंट का रिस्पॉन्स। फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट टाइम ही पेशेंट ओपीडी में आया था, शी इज ओवर वेट। कभी कभी आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा लेकिन एक दो सिटिंग के बाद पेशेंट को एकदम रिलीफ मिलता है। और कभी कभी जैसे हम ओपीडी में करते हैं मॉर्निंग में, तो पेशेंट बोलेगा नहीं अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी इतना रिलीफ कुछ नहीं लग रहा, लेकिन आप नेक्स्ट डे को फॉलोअप को बुलाओगे पेशेंट को शाम तक एकदम अच्छा लगता है। तो कभी कभी 2-3 सेटिंग के बाद भी रिलीफ होता है, कभी कभी एक सेटिंग के बाद 8-10 घंटे के बाद पेशेंट को रिलीफ होता है, लेकिन पेशेंट को रिलीफ ज़रूर होगा। सो एक लास्ट वीडियो दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे वीडियो लेकिन अभी एक लास्ट वीडियो लेते हैं। ये ऑस्गुड शाल्टर डिसीज बोल के है, इट इज़ अ वेरी रेयर डिसीज। सो शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज दिस। इट इज़ अ कंडीशन दैट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग बिलो द नी जॉइंट वेयर द पटेलर टेंडन अटैचेस टू द टॉप ऑफ द शिन बोन, दैट इज टिबिया, अ स्पॉट कॉल्ड टिबियल ट्यूबरोसिटी। देयर मे बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पटेलर टेंडन which stretches over the kneecap. Osgood-Schlatter disease is a most commonly found in young athletes who play sports that require a lot of jumping or running. Treatment for Osgood-Schlatter disease includes reducing the activity that makes it worse, icing the painful area using knee pads or a patellar tendon strap, and anti-inflammatory medication. सर्जरी इज रेयरली यूज टू ट्रीट Osgood-Schlatter डिसीज। ये पेशेंट ओपीडी में आया था, ये भी एथलेट्स था, ड्यूरिंग क्रिकेट या फुटबॉल कुछ खेलता था तभी उसको हुआ था इंजुरी और उसके बाद उसको ये डेवलप हुआ। पेशेंट मेरे पास आया था MRI लेके,
सो मुझे इजी था उसको डायग्नोस करना। MRI में उसके फाइंडिंग ऑस्विक्स फ्लैटर डिसीज थे। सी पेशेंट बता रहा है कि उसको वहाँ पेन है, टिपिकल साइड टिबियल ट्यूबरोसिटी के वहाँ नी पे। सेम लोअर एक्सट्रीमिटीज का डिसीज है, इसीलिए हमने उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्म किए, शुक्र मर्म कर रहे हैं। पेशेंट मेल है तो राइट साइड कर रहे हैं पहला, बाद में लेफ्ट साइड 15 to 18 times। सी इसमें भी हम मेन 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 मर्म ही करेंगे, सब मर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सब किया तो भी चलता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। सो अगर OPD में इतने पेशेंट हैं तो आप एक पेशेंट को इतना टाइम नहीं दे सकते। सो मेन मेन मर्म जो इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो क्षिप्र किया, बाद में गुल्फ, जैसे मैंने बोला गुल्फ इज़ द मेन मर्म, उसको छोड़ना नहीं है। दूसरे मर्म एक आधा स्किप किया तो चलेगा लेकिन गुल्फ को छोड़ना नहीं है, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड बैक डिसऑर्डर में। सी हुक करना है और स्टिमुलेट करना है नर्व, और वहाँ आपको स्पार्क फील होगा टेंडन का। इससे हम नर्व स्टिमुलेट करते हैं। से अगेन नेक्स्ट साइड अनदर साइड का कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर। देन दिस इज इंद्रावस्थि मर्म, फोर फिंगर बिलो द नी जॉइंट। पेशेंट को बोलना फोर फिंगर लेना है, उसका अंगुली प्रमाण लेना है, चार अंगुली नीचे जाने के, जस्ट प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। नीचे से प्रेस करना है, मैंने खाली ऊपर से होल्ड किया है थंब से, नीचे है इंद्रावस्थि पोस्टेरियरली जानू में, लेकिन हैंड्स में ये एंटीरियरली आएगा। से अभी ये नी का डिसऑर्डर है तो नी इज वेरी इंपॉर्टेंट जानू मर्मा। सो पुशिंग अपवर्ड, प्रेस एंड पुश अपवर्ड डायरेक्शन, यूज योर थंब एंड पाम 15 to 18 times। ये पेशेंट को 100% रिलीफ हुआ आफ्टर मर्म थेरेपी, पेशेंट का रिस्पॉन्ड है इसमें। पेशेंट बोला मेरा पेन ही चला गया, मुझे पेन फील ही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ये रेगुलरली करने के लिए बोला है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में पेशेंट को कुछ मूवमेंट्स करने के बाद और पेन हो सकता है, तो पेशेंट को रेगुलरली करना है। और पेशेंट मेरे पास 2 बार फॉलोअप में आया, उसका पेन 90% रिलीफ था। उसको बाद में मैंने बोला कि आपको घर में कंटिन्यू करना है, कुछ लगा तो ही आपको मेरे पास आना है। तो पेशेंट अभी तक आया नहीं, इसका मतलब वो ओके होगा, उसका पेन कम हो गया होगा। तो सब एलोपैथी वगैरह सब घूम के आया था, इसीलिए उसके पास MRI का रिपोर्ट था। सो देखो पेशेंट का रिस्पॉन्ड है, वो बोल रहा है पूरा पेन गया, अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है पेन कहाँ है, फील ही नहीं हो रहा है पेन। देखो पेशेंट बोल रहा है फील नहीं हो रहा है, मोशन करके देखा उसने, इस फ्लेक्जन एक्सटेंशन दिस मूवमेंट्स करके देखा, पेशेंट को पेन नहीं है, 100% उसको रिलीफ मिला। आप अपने OPD प्रोसीजर में कर सकते हैं इजीली आपकी प्राइवेट कंसल्टिंग में। सो देर आर सो मेनी वीडियोस, बट आई विल स्टॉप हियर। आई विल कंक्लूड दैट देर आर सो मेनी डिसीजेस वी कैन ट्रीट विद द मर्मा थेरेपी, देन ऑलवेज कंबाइन दिस मर्मा थेरेपी विद अनदर थेरेपीज, सो इट विल गिव अ बेटर रिजल्ट। आपको अदर थेरेपीज के साथ आप इसको कर सकते हैं, जैसे विद्याग्नि है या पंचकर्मा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको स्टिक मत रहो, मर्म थेरेपी भी करो, ड्रग्स भी दो, अदर थेरेपीज भी करो, तो आपको उतने अच्छे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। देयर इज़ अ फ्यूचर स्कोप फॉर मर्म थेरेपी। ये नई मेथड है, नई थेरेपी है जो कि एक इनोवेशन ला सक्ती है आयुर्वेद में। जैसे कि क्षार सूत्र ने बहुत बड़ा इनोवेशन लाया आयुर्वेद क्षेत्र में, वैसे ही मर्म थेरेपी पे अभी बहुत काम होना बाकी है।
सीसीआरएस में सेंट्रल में इस पे रिसर्च चालू है अभी भी, लेकिन ये प्रैक्टिस में है पहले से ही, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए ये अभी इसका रिसर्च चालू है कि ये कैसे एक्ट करता है, क्या एग्जैक्ट पैथोलॉजी है, कौन सी पैथोलॉजी ये फिजियोलॉजी में कन्वर्ट करता है, मीन्स नॉर्मल लाता है, तो ये सब रिसर्च चालू है इसके ऊपर। तो अभी हमें इसको रूटीन प्रैक्टिस में लाना चाहिए और करना चाहिए और इसका सब डिटेल स्टडी करना चाहिए। ये सभी के लिए ओपन है, आप इस पर काम करो, ये आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। थैंक यू सो मच। अगर सचमुच हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने आप को अगर हम लोगों को फुल प्रूफ डॉक्टर बनाना हो, तो इसके लिए हम लोगों को एक पॉलिसी अपनाना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। अगर हम लोग 1% अपने आप को इम्प्रूव करते गए, इम्प्रूव करना मतलब क्या हो गया, मेडिकल का नॉलेज अगर हम लोग लेते गए तो क्या होगा, 365 डेज में हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, 5.5 साल में हम लोग बहुत अच्छा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग देखोगे, अपने सीनियर्स को देखोगे, बहुत लोगों को देखोगे, वो लोग इंटर्नशिप में भी आ गए फिर भी उनको उतना ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है कि वो लोग जब फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग के पास अगर टाइम है, अभी एग्जाम्स खत्म हुआ है आप लोगों का, तो आप लोग फार्मेकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, इसके ऊपर ध्यान दो, इसको अच्छे से सीखो। ये अगर अच्छे से सीखोगे तो आगे जाके आपको मेडिसिन अच्छे से समझ में आएगा, सर्जरी अच्छे से समझ में आएगा, गायनेकोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा, ऑप्थल्मोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमारा जो बेस है फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, इसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए।